हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बहुत ही सुंदर तीन कलर का थाल पोश बनाने वाले हैं। चलिए इसको यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे येलो कलर लिया है, ये हमने चार प्लाई की वो ली है। सबसे पहले हम ऐसे नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फंदे को ऐसा लंबा रखेंगे और धागे को आगे कर लेंगे। देखिए एक फंदा हमने लिया है, अब यहाँ पर दूसरा फंदा लेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो चार फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं, इन चारों फंदों का एक करेंगे और टू की चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पफ हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरा पफ ऐसे बना लेंगे, चार बार फंदे लेंगे, इन सब का एक कर देंगे, फिर टू की चेन बनाएंगे। फिर तीसरा पफ सेम ऐसे ही रेडी करेंगे, चार बार धागा लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे फंदे लेंगे लंबे लंबे, इन चारों फंदों का एक कर देंगे, फिर टू की चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने तीन पफ है जो रेडी कर लिए हैं, टोटल एट पफ है यहाँ पे हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने एट पफ बना लिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल एट पफ हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। तो ऊपर से इसको लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड राउंड है, फिर से धागे को ऐसे लंबा रखेंगे, चार बार फंदे लेंगे, चार फंदों का हम यहाँ पे एक कर देंगे, फिर टू की चेन बनाएंगे। तो दो दो पफ हम यहाँ पे एक चेन के अंदर बनाएंगे। तो इस राउंड में टोटल 16 पफ हमें रेडी कर लेने हैं, एक चेन के अंदर हम यहाँ पे दो दो पफ है जो बनाएंगे। एक पफ बनाने के बाद टू की चेन बनाएंगे, फिर यहाँ इस चेन के अंदर फिर से हम दो पफ है जो बनाएंगे। देखिए हमने एक पफ रेडी कर लिया है, फिर टू की चेन बनाएंगे, सेम ऐसे एक और पफ इसी चेन के अंदर हम यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पफ फिर से रेडी हो चुका है, टू की चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन रहेगी, उसमें भी सेम हम ऐसे ही दो दो पफ है जो बनाएंगे। तो इसी तरह फ्रेंड्स ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। हर एक में हमने यहाँ पे दो दो पफ स्टिच जो बना ली है। अब हमें यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड के लिए हम यहाँ पे दूसरा कलर जो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइट पिंक कलर को ऐड कर लेते हैं। पहले हमें देखिएगा जैसे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए धागे को ऐसे लंबा रखेंगे, तो चार बार यहाँ पे हमें लूप्स ले लेने हैं, ऐसे फंदे लेंगे। ये चार फंदे इधर से हमने ले लिए हैं और चार फंदे हम दूसरी साइड से लेंगे। ये जो येलो वाला हमारा पफ है, उसके दोनों साइड से हमें चार चार फंदे हैं जो ले लेने हैं। इन आठ फंदों का हम एक कर देंगे। तो देखिए आठ फंदों का एक कर दिया है, अब थ्री की चेन हम यहाँ पर बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो ये पफ लिया था हमने, यहीं से हमें एक और बना लेना है। यहाँ पर हमें चार फंदे लेंगे, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे आठ फंदों का हमने एक कर दिया है। फिर से थ्री की चेन बनाएंगे, सेम इसी तरह चार फंदे इधर से लेंगे, चार फंदे दूसरी साइड से लेंगे और आठ फंदों का एक कर देंगे और फिर से थ्री की चेन बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड इसी तरह हमें कंप्लीट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हमें येलो कलर को ऐड कर लेना है। ये देखिए एक फंदा इधर से लिया है, एक फंदा दूसरी साइड से लिया है, इस तरह करते हुए हमने ये राउंड है कंप्लीट किया है। तो अब यहाँ पे येलो कलर को ऐड करेंगे। येलो कलर से यहाँ पे हमें दो दो पफ है जो बनाने होंगे। पहले फ्रेंड यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमने ऊपर की तरफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं पे हमें ऐसे चार बार फंदे ले लेने हैं। चार फंदों का हम यहाँ पे एक पफ स्टिच रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक पफ रेडी हो गया है, फिर टू की चेन बनाएंगे, एक पफ और यहीं पे हम बना लेंगे। तो इस तरह दो पफ हमने एक ही जगह बना लिए हैं।
फिर से 2 की चेन बनाएंगे और एक पफ और यहीं पे बना लेंगे। तो इसी तरह हमें 2-2 पफ है जो बना लेने हैं और हर एक में हमें 2-2 की चेन है जो बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे 5 की चेन बनानी होगी। जहाँ पे हमने 2 पफ स्टिच बनाए हुए हैं, वहीं उसी के अंदर हमें 5 की चेन है बनानी है। फिर 5 की चेन बनाते हुए नीचे हमें सिंगल क्रोशे से इसको लॉक करेंगे, फिर 1 चेन बना लेंगे, फिर अगली वाली जो है वहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट जहाँ पे हमने 2 पफ स्टिच बनाए हैं वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और वहीं पे फिर से हमें 5 की चेन बना लेनी है। और देखिए यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, फिर 1 चेन 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन 1 सिंगल क्रोशिया। जहाँ पे हमने 2 पफ स्टिच बनाए हैं वहीं पे हमें सिर्फ 5 की चेन बनाते हैं, उसको लॉक करना होगा। तो इसी तरह फ्रेंड, ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें डार्क पिंक कलर लेना होगा और उसे ऐड कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे 6-6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने चेन बनाई है उसी के अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये जो हमने 5 की चेन बनाई थी, तो यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया एक साइड बनाएंगे और 6 दूसरी साइड बनाएंगे। टोटल 12 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। ये 6 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमारे 5 डबल क्रोशिया देखिए हमने बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 5 एक फंदा और यहाँ पे बनाएंगे, 6 फंदे हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे और सेम ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया हमें दूसरी साइड भी बना लेने होंगे। तो इस तरह टोटल 12 फंदे हमने हर एक चेन के अंदर बनाए हैं। एक एक करके हम यहाँ पे टोटल ऐसे 6 डबल क्रोशिया जो बना लेंगे। 6 डबल क्रोशिया हमने दूसरी साइड बनाए थे, तो इस साइड भी हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह यहाँ पर 6-6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है और एक पंखुड़ी रेडी कर ली है। तो देखिए बीच में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ऐसे स्लिप स्टिच बनाना होगा। फिर डायरेक्ट हमें वहीं से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ इस चेन के अंदर भी सेम ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया, 3 चेन 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे और पूरा राउंड इसी तरह हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से हमें लाइट पिंक लेना होगा और लाइट पिंक से हम यहाँ पे देखिए ऐसे वाला कलर लेंगे। और पहले हम यहाँ पे देखिए इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमें चेन बनानी होगी। तो ये हाफ में है, पहले हमें 2 की चेन बनानी होगी। 1 चेन, 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जो इसके अंदर है यहाँ पे हमें पफ बनाना होगा। तो उसके लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5
इन पांचों का फंदों का एक करेंगे, चार की चेन बना लेंगे, फोर की चेन हमने बना ली है, ये देखिए इस तरह के पफ हम यहाँ पे बीच में बनाएंगे। तो दूसरी वाली देखिए यहाँ पे जो जगह है सेम यहाँ पे भी ऐसे हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पे देखिए येलो कलर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी हर एक चेन के अंदर हम यहाँ पे दो दो पफ है जो बना लेंगे। वन पफ स्टिच टू चेन, वन पफ स्टिच टू चेन, यहाँ पे टू की चेन हमने बना ली है, एक पफ और बना लिया है। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हर एक चेन के अंदर हमें दो दो पफ स्टिच बना लेने होंगे और बीच में टू टू की चेन है जो बनाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए हर एक चेन के अंदर यहाँ पे भी हमें दो दो पफ स्टिच बनाने होंगे। तो इसको बना लेते हैं, ये देखिए धागे को लंबा रखेंगे, तो यहाँ पे भी दो एक पफ बना लेंगे पहले, फिर टू चेन बनाएंगे, फिर एक पफ और बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से टू की चेन बनाएंगे, एक पफ और बना लेंगे, अब वन चेन बनाएंगे, फिर दूसरे में फिर से दो पफ ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे तीसरा राउंड हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हर एक चेन के अंदर हमने दो दो पफ बना लिए थे। अब देखिए जहाँ पे हमने दो पफ बनाए थे वहीं पे हमें दो पफ अब बनाने होंगे। यहाँ पे दो पफ, यहाँ पे दो पफ, बाकी हमें जो बीच में सिर्फ वन चेन बना लेंगे। तो जो बीच वाली चेन रहेगी फ्रेंड्स, दो दो राउंड के बाद हम चेन को बढ़ाते जाएंगे और ये जो पफ हैं वो सेम रहेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट वन है, पार्ट टू वीडियो कल अपलोड होगा। चैनल पे बने रहिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन देगा उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा, तो जब जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये देखिए यहाँ पे भी हमने दो पफ ऐसे बना लिए हैं, जहाँ पर हमें दो पफ हमने बना रखे हैं सिर्फ वहीं पर हमें दो पफ बनाने होंगे। देखिए इस तरह फिर नेक्स्ट सेम ऐसे ही।
ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ही सुंदर हमारा थाल पोश रेडी हो गया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सबको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। अगर पार्ट टू चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि पार्ट टू चाहिए। थैंक यू।